हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल बताऊंगी, जो बहुत ही इजी और बहुत ही मस्त तरीके का टाइम टेबल है, जिसको पढ़ने के बाद आप एकदम तैयारी करेंगे 17 से 18 आवर्स। तो गाइस, देर किस बात की, चलिए हम आपको बताते हैं। मॉर्निंग में 4 बजे से 6 बजे तक आपके पास बहुत टाइम रहता है। बहुत से स्टूडेंट्स को कोई काम नहीं करने पड़ते हैं, तो 7 बजे तक पढ़ सकते हैं। आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं या फिर फिजिक्स या बायो, कुछ भी तैयारी कर सकते हैं। फ्रेश होने के बाद आप अगर स्कूल गए हैं, तो स्कूल से आने के बाद 3 या 3:30 तक आप आराम कर सकते हैं। और शाम को यानी कि फ्रेश होने के बाद आपके पास बचते हैं 2 घंटे, 4 या 6 से 4-6 घंटे आप फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। और नाइट में 8 बजे से 12 बजे तक बायो या मैथ, यानी कि इसमें सिर्फ 4 घंटे हुए। ओनली हार्ड सब्जेक्ट के टाइम टेबल थे इसमें। और इसमें बताएंगे हम आपको, जो स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए मॉर्निंग में टाइम बचता है 4 से 7, या स्कूल नहीं जाते हैं तो 8 बजे तक ये तैयारी कर सकते हैं इसमें, इंग्लिश या बायो मैथ की तैयारी भी कर सकते हैं। और आफ्टरनून में 8 से 12, यानी कि 8 से 12 बजे तक आपके पास एकदम खाली टाइम रहता है। इसमें आप लोग तैयार कर सकते हैं इंग्लिश या हिंदी। और नाइट में आप लोग खाली होते हैं, 12 बजे से तो खाली रहते हैं। इसमें आप लोग पढ़ लीजिए, मान लीजिए 1 बजे से पढ़ लीजिए, या फिर 1 घंटा रेस्ट कर लीजिए 2 बजे से, 2 से 4 बजे तक पढ़ लीजिए, और फिर 4 से 3 और 4 से आराम यानी रेस्ट कर लीजिए, और फिर 5 बजे से आप एकदम करेक्ट टाइम पर रुकिए, 8 बजे, 8 बजे आप लोग खा पी लीजिए। और उसके बाद में 8 से 9, 9 बजे आराम करने के बाद आप 10 से 1 बजे तक पढ़ लीजिए, तो आपका हो जाएगा 17 आवर्स का टाइम टेबल। आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।